अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल पालक की मज़ेदार इजी झटपट बनने वाली रेसिपी। इसके लिए एक कप तोर दाल है, आधा कप मसूर दाल है, आप चाहे तो इसकी जगह मूंग दाल भी ले सकते हो। दोनों क्वांटिटी इस तरह है, आधा कप मसूर दाल, एक कप तोर दाल। इसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल के 3 से 4 पानी से धो के 10 मिनट इसको सोक करने के लिए रख देंगे। 3 से 4 पानी से धो ली हूँ मैं, इसमें पानी डाल के 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। पालक ले लूँ मैं, एक बंच फुल पालक है, धुला हुआ है, इसको कट कर लेंगे। आप चाहे तो कट करके धो सकते हो, इस तरह थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह कट कर लेंगे बारीक बारीक करके। सारे पालक को कट करके रख लियो मैं। ये कुकर लेंगे, इसी में सोक किया हुआ तोर दाल और मसूर दाल को डाल देंगे। इसी में डाल देंगे कट किया हुआ पालक, इसी में डाल देंगे पानी। पानी ऊपर आने तक इसमें डाल चुकी हूँ मैं, पालक के ऊपर तक पानी आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इसी में डाल देंगे आधा टीस्पून से थोड़ा कम ज़ीरा, थोड़ा ऑयल डाल देंगे 2 टीस्पून के करीब। कुकर का लिड लगा के 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। दूसरी तरफ प्याज और टमाटर को काट लेंगे, 2 प्याज 4 टमाटर, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, इन सभी चीज़ों को बारीक करके काट लेंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, अच्छे से मैश हो चुका है, इस तरह मिक्स कर लेंगे। एक बार दाल को तड़का देने के लिए एक वेजल रख ली हूँ मैं पतीला, इसमें डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे तो सनफ्लावर ऑयल भी डाल सकते हो। धुआं आने तक वेट करेंगे तेल डालने के बाद। धुआं आ चुका है, गैस को बिल्कुल धीमा कर लेंगे। इसी में डाल देंगे आधा टीस्पून ज़ीरा डाल चुकी हूँ मैं, अभी डाल देंगे आधा टीस्पून राई। ज़ीरा चटकना और राई चटकना स्टार्ट हो चुका है, इसी में डाल देंगे लहसुन की कलियां, अदरक को डाल देंगे, हरी मिर्च, इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम धीमा है, भून लेंगे लहसुन के कलर चेंज होने तक। इसी में डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल दीजिए वरना नहीं। इसी में डाल देंगे कड़ी पत्ता, गैस का फ्लेम धीमा है, अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो चुका है, लहसुन का कलर भी चेंज हो चुका है। इसी में डाल देंगे कटे हुए प्याज, इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। नमक डाल देंगे, प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, 1 टीस्पून भर के डाली हूँ मैं, अब 1 टीस्पून नमक डाल चुकी हूँ मैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। इसको भी अच्छे से गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रख के सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुका है, इसी में डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, फीका कम वाला है ये, आप चाहे तो हरी मिर्च को स्किप करके मिर्ची पाउडर का क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो। आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम धीमा है,
दो से तीन मिनट मिक्स करने के बाद इसी में डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। इसको भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर को अच्छे से मैश होने तक अच्छे से पका लियो मैं। इस तरह स्पैचुला से दबा दबा के इसको टमाटर को मैश कर लियो मैं। इसी में डाल देंगे बॉईल किया हुआ दाल और पालक को। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में पानी को ऐड कर लेंगे। पानी को ऐड करने के लिए उबला हुआ पानी डालेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, टेस्ट ख़राब हो जाएगा ठंडा पानी डालने से। आप थिकनेस के इस हिसाब से पानी डाल दीजिए, गाढ़ा या पतला। एक कप पानी डाल चुकी हूँ मैं। इसको एक बॉईल होने के लिए वेट करेंगे। नमक कम लगा तो इसी में थोड़ा नमक भी ऐड कीजिए। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे इस तरह चाहिए था, इस तरह हो चुका है। आपको थोड़ा गाढ़ा लगा तो उबला हुआ यानी गर्म पानी डाल दीजिए। इसको एक उबाल होने के लिए वेट करेंगे। अच्छे से उबाल आ चुका है। गैस को कर देंगे बंद। डिश आउट करके बताती हूँ मैं। डिश आउट कर चुकी हूँ। हमारा हेल्दी इजी मज़ेदार पालक दाल की सिंपल रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप राइस के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हो। बहुत मज़े का लगता है, आपके फैमिली में पसंद आने वाली चीज़ है। इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना ना भूलिए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मुझे भी दुआओं में याद कीजिए। मेरे रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।